हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज जो हमारा जो 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि इससे मैंने आपको बताया 4-6 मार्क का क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और तीन तरह की वैरायटी इस पे होती है आपसे। पहले तो इसका एक बेसिक अलजेब्रा होता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि जब इक्वालिटी दी होती है आपको, इनइक्वालिटीज दी होती है, तो उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं, वो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 12.1 में सीखा था। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन सिखाया था, आप वहां पर सीख के आ चुके हैं। अभी ना वो हमने अलजेब्रा देख लिया था, अभी इस एक्सरसाइज में लास्ट हमने एक पहला क्वेश्चन इसका डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 12.2 का, हमने वहां पर देखा था कि हमें खुद फॉर्मेट करना है, हमें खुद फॉर्मेशन करना है, किसका, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जरिए सॉल्व करना है दी गई जो प्रॉब्लम है उसको, है ना। तो एक बहुत अच्छी सी चीज होती है यहां पर, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शन हमें दिए होते हैं। तीन तरह की वर्ड प्रॉब्लम बनाई जा सकती है, तीन तरह की बेसिकली ये होती है, यानी कि कभी कभी आपको डाइट प्रॉब्लम दी जा सकती है, जैसे फूड से रिलेटेड, जैसे लास्ट टाइम दिया था, आज का पहला क्वेश्चन जो है यानी कि एक्सरसाइज 12.2 का, वो भी डाइट प्रॉब्लम पर ही है सेकेंड क्वेश्चन, आज हम देखेंगे। और ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम भी होती है, कभी नट बोल्ट बन रहे होते हैं, कभी बैट बन रहे होते हैं, कभी रैकेट बन रहे होते हैं, ऐसा कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होती है। और जो थर्ड स्टूडेंट केस होता है वो आपका होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, आप आगे देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। अगर हमारे मन में एक क्लैरिटी है कि क्या होता है यहाँ पर, तो हम डेफिनेटली कर देते हैं, हमें बस एक रीजनिंग ध्यान रखनी है। क्वेश्चन का साइज लंबा होता है इसलिए क्योंकि उन्हें इन्फॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ती है हमें, और सिचुएशन समझानी पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्वेश्चन का साइज लंबा होता है। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें किस चीज की है यहां पर, ठीक है। आपने सीखा भी था लास्ट टाइम, और हम करते हुए जाएंगे तो आप सीखते हुए रहेंगे। एक्सरसाइज 12.2 का स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जो कि आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, लास्ट टाइम 1 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था, उसे देख रहे पढ़िए क्वेश्चन। वन काइंड ऑफ केक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, जब आप क्वेश्चन 5-6 कर लोगे ना आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या हिट करना है, क्या निकालना है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक बार क्वेश्चन पढ़ते देखते क्या समझ में आ रहा है हमें। आखिर लिखा हुआ है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट, एंड अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट, एज्यूमिंग दैट देयर इज अ नो शॉर्टेज ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग द केक्स। ये आपको बोला गया। देखो पहले ना 2-3 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। दो ही ऐसी जगह मैंने पहले भी कहा है, आगे जाकर एक प्रोबेबिलिटी में एक बेस थ्योरम आती है, वहां पर भी इसी लेंथ का ऑलमोस्ट क्वेश्चन होता है। हमें बस सेंस को पकड़ना है कि सेंस क्या बोल रहा है बस, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे ये एक तरह से डाइट प्रॉब्लम की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। और पहली बात बता दूं, जो तीनों मेथड मैंने बताए कुछ अलग नहीं होता, सबका प्रोसीजर एक ही जैसा है जो मैं बताने वाला हूं, जरा सुनना ध्यान से। मैंने लास्ट टाइम इसका एक फॉर्मेट डिस्कस भी किया था, क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास कुछ ना टाइप ऑफ फूड्स होंगे, फूड वाले में टाइप ऑफ फूड्स होंगे, जिसे आप टाइप ऑफ आइटम कह सकते हो, तो टाइप ऑफ फूड्स होंगे, और उन फूड को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है वो इंग्रेडिएंट्स होंगे कुछ। अब क्योंकि फूड अलग अलग तरह का होगा, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जैसे यहां पर भी आप देख रहे हो केक है, फूड के तौर पर दो केक है। अब केक तो केक है लेकिन दो डिफरेंट कैटेगरी के केक है, एक में आप देखोगे 200 ग्राम फ्लोर लगता है, 25 ग्राम फैट लग रहा है, जबकि दूसरे वाले में 100 ग्राम फ्लोर लग रहा है, 50 ग्राम फैट लग रहा है। तो वैरायटी अलग अलग है केक की, है दोनों केक। इसका मतलब हम टाइप 1 टाइप 2 या केक 1 केक 2 में इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ फूड हो जाएगा एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखोगे ये किन इंग्रेडिएंट से बन रहा है, इंग्रेडिएंट का कैटेगराइजेशन हो जाएगा। आप देखोगे इंग्रेडिएंट में फ्लोर और फैट यूज हो रहा है, आटा और वसा कहते हैं जिसे हिंदी में, वो यूज हो रहा है, ठीक है ना। बस हो गया, तब ये हमसे पूछ रहे कि आप बताइए कि अगर हमारे पास इतना मटेरियल अवेलेबल है कि 5 केजी हमारे पास फ्लोर है और 1 केजी हमारे पास फैट है, तो हम कितने केक बना देंगे, यही उन्होंने पूछा। और ये भी उन्होंने बोला कि आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि जो बाकी चीजें की जरूरत होती है उनकी कोई कमी नहीं है, वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, रेस्ट्रिक्शन में सिर्फ यही दो चीजें हैं, तो आप केक कुछ भी नहीं बना सकते, कितने भी ज्यादा केक नहीं बना सकते, रेस्ट्रिक्शन में है। समझ में आ रही है बात, आपको फ्लोर और फैट इनका एक डेफिनेट रेशियो होना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि फ्लोर आपके पास बहुत ज्यादा है फैट कम पड़ेगा तो भी नहीं बना पाओगे केक, फैट ज्यादा है फ्लोर कम पड़ेगा तब भी नहीं बना पाओगे। तो हमें बनाना है कि इनकी हेल्प से, अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया, पहले हम बता रहे हैं बिजनेसमैन को, हम बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, इतने इतने केक बन जाएंगे, हिसाब लगा लेना अपना, अब वो देखेंगे कि बनाना है कि नहीं बनाना मुझे, ये है ना बात, ये है मैथ्स, पहले ही कर दिया हमने काम, वो हम कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स कैटेगराइजेशन हर समय ऐसे ही आपको करना है, आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो ना, मैं थोड़ा सा इसे स्मॉलर कर देता हूं और हम थोड़ा, अब ये क्वेश्चन देखो मैं यहीं से हेल्प लूंगा, उसके बाद जो यहां पर फॉर्मेट तैयार होगा फिर हमें क्वेश्चन की जरूरत भी ऊपर कर देंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, हमें पता चल गया टाइप ऑफ केक, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स हमें यहां पर ही पता चल गई कि यहां पर एक जो चीज दिख रही है वो है कि हम ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि टाइप ऑफ केक, क्योंकि दो तरह के केक है हमने देख लिया,
है ना। अब दूसरी बात जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं वो ये है कि एक जगह फ्लोर है यूज हो रहा, एक जगह आपका फैट यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्लोर, और स्टूडेंट्स यहां पर मैं कॉलम बना लेता हूं फैट के लिए, जो चीजें बेसिकली यूज रहे हैं। आपके लिए मैंने जानबूझकर उन्हें डिफरेंट कलर से लिखा, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं मिलेगा, सब एक ही कलर में होगा, आपको खुद डिटेक्ट करना होगा, लेकिन तब तक आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। देखो टाइप ऑफ केक में मैं केक वन कह देता हूं एक को, और एक को केक टू कह देता हूं, जो पहले दिया उसे केक वन। पहले वाले केक में कितना फ्लोर यूज हो रहा है? यस एब्सोल्युटली 200 ग्राम। पहले वाले में जो फैट यूज हो रहा है 25 ग्राम, ये हमेशा का है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही इसमें, हमेशा बार बार यही करोगे। अच्छा सेकंड वाले में देखो 100 ग्राम यूज हो रहा है, और स्टूडेंट जो फैट यूज हो रहा है वो है 50 ग्राम, 50 ग्राम फैट यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो इतना तो हो गया ना, एक हमेशा टाइप का रहेगा कि किस तरह के आइटम की बात हो रही है, और बाकी वो किन चीजों की कौन सी चीज रेस्ट्रिक्ट कर रही है जो इस चीज के बनने में, वो चीजें यहां पर आती है, ठीक है ना। वो चीजें कहां पर आती है? हाँ यहीं पर आती है, ठीक है ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी एक थर्ड चीज भी होगी जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट करेगा, यानी बेसिकली जो हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ आइटम्स, बेसिकली नंबर ऑफ केक्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं ऐसे, और एक रेस्ट्रिक्शन है हमारे पास। तो आप ऐसा करें ना कि यहां पर एक और कॉलम बना लीजिए, वो हो जाएगा नंबर ऑफ केक्स के लिए। तो नंबर ऑफ केक्स यहां पर आ जाएंगे, जितने हम बनाना बना सकते हैं वो। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइप के जो केक है वो X बन सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। अगर हम कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइप के जो केक है अगर वो X क्रिएट हो गए, बन गए, मतलब तैयार हो गए, ठीक है ना, फॉर्म हो गए, और Y नंबर इनके तैयार हो गए, X और Y नंबर है, नंबर X दो केक तीन केक ऐसे कर, ठीक। अब जो टोटल नंबर ऑफ केक्स होंगे स्टूडेंट्स वो कितने हो गए? एक्स प्लस वाई, Z टाइप का कह लेता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यही बन रहा है, आपको समझ में आने लग जाएगा। आप Z कुछ भी नाम दे दिए ना उस चीज को। मैं क्यों कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, आपको बोला हुआ है कि एक रेस्ट्रिक्शन दिया गया है हमें केक में, कि बोला गया कि आपको ये जो बोला गया ना कि आप कितना यूज कर सकते हो, आपको दे रखा कि 5 किलो आपके पास फ्लोर है और सिर्फ 1 केजी आपके पास फैट है, तब आपको बनाने हैं केक। तो एक रेस्ट्रिक्शन भी हमारे लिए तैयार है, और दो रेस्ट्रिक्शन जो एवरग्रीन है हमारे हमेशा, वो कौन से है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स एक नंबर है और नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब जो ये दोनों नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे। तो तीन रेस्ट्रिक्शन हमारे हाथ में आ गए, दो तो एक्स वाई के ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो वाले, और बाकी एक ये तीसरा वाला रेस्ट्रिक्शन जो ये दे रखा है इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को यूज करके काम कर जाते हैं, ठीक है ना। और हमसे आप साफ साफ देख लीजिए बोला गया फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ केक की बात हो रही है, ऐसा नहीं बोला गया कि ये वाले केक ज्यादा चाहिए वो वाले केक, बोला गया कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ केक हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई टोटल नंबर ऑफ केक्स है, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है, सिंपल सी बात है, आपने जेड को मैक्सिमाइज करना है, जेड इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्लियर है कि नहीं है? हो गया, बोलो प्रॉब्लम है तो बस चल लो उसको देख के, अब उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आप देखो 5 केजी फ्लोर और 1 केजी आपके पास क्या है, 5 केजी फ्लोर और 1 केजी फैट है, बस वो एक उसको ध्यान रखना। देखो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम बोलेंगे हमारे पास जो फ्लोर टोटल अवेलेबल है वो कितना है, यहां पर 300 ग्राम है, और यहां पर आप देखोगे कि 75 ग्राम हमारे पास अवेलेबल है, चलो वो एक बात सही है, मैं लिख लेता हूं कि 250 ग्राम आपके पास ये अवेलेबल है टोटल, और यहां पर ये जो 50 और ये 75 ग्राम अवेलेबल है। आपने एक बात देख ली है कि हमें जो 5 किलोग्राम फ्लोर हमारे पास कुल मिलाकर है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये एक केक बनाने के लिए, अगर आप टाइप 1 का केक बना रहे हो तो आपको टाइप 1 का केक बना रहे हो तो आपको इतना फ्लोर इतना फैट चाहिए, ठीक है। हाँ ये बस ये ऐसे से लिखा हुआ है, कुल मिलाकर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना फ्लोर अवेलेबल है 5 केजी और फैट 1 केजी। तो इस फैक्ट का हम यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो ओवरऑल 500 केजी है ना, 5 केजी फ्लोर है और आपके पास 1 केजी क्या है फैट है, बस। अब देखो कुछ नहीं करना, अब जो रेस्ट्रिक्शंस बने हैं उनको फटाफट हम कंस्ट्रेंट्स को फॉर्म करते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारे पास कंस्ट्रेंट बना है वो है एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या होता है जस्ट एक नंबर है एक्स और वाई, आप देख रहे हो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जो सेकंड चीज स्टूडेंट हमारे पास कंस्ट्रेंट का काम कर रही है ना वो ये है कि फ्लोर जो है वो पूरा का पूरा अवेलेबल सिर्फ और सिर्फ 5 केजी है, अब ये मैंने आपको दिखाया। अब आप देखो कि अगर हम एक्स नंबर ऑफ केक बना रहे हैं फर्स्ट वेराइटी के, अगर मान लेते हैं कि एक्स केक बन गए हैं पहले वाले टाइप के केक के, एक्स काउंटिंग है उनकी, ठीक है। मुझे बताओ अगर एक केक में, क्योंकि जो ये लिखा गया है ना फ्लोर, ये एक
एक केक के लिए, एक केक को बनाने में 200 ग्राम आपका फ्लोर लगेगा और 25 ग्राम आपका फैट लगेगा, सिर्फ एक केक को बनाने में, ये इंफॉर्मेशन थी। तो इसका यूज करके स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कि एक्स केक को बनाने में कितना फ्लोर लगेगा, ठीक है, आप समझ गए। क्योंकि अगर एक केक को बनाने में 200 ग्राम लग रहा है तो दो केक को बनाने में 2 × 200 ग्राम, तीन केक को बनाने में 300 × 2 ग्राम, तो एक्स केक को बनाने में 200 × x ग्राम, यानी कि 200 × x ग्राम, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, अमाउंट ऑफ फ्लोर हो गया, है ना, कि एक केक, सॉरी एक्स नंबर ऑफ केक को बनाने के लिए इतना अमाउंट ऑफ फ्लोर लगेगा। अच्छा, वाई नंबर ऑफ केक को बनाने के लिए कितना फ्लोर लगेगा, क्योंकि इस कैटेगरी में इतना फ्लोर लगता है ना, इस कैटेगरी में, तो सेकंड वाले में एक केक बनाने के लिए जब आपको 100 ग्राम लगता है सेकंड कैटेगरी में केक को, तो वाई केक बनाने में कितना लगेगा फ्लोर, यस 100 × y, ये टोटल फ्लोर यूज्ड है जो कि आपका केक बनाने में लगा है, टोटल केक बनाने में, उसमें आपका पहले टाइप का केक भी आ गया और सेकंड टाइप का केक भी आ गया। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि ये किसका अमाउंट है, ये अमाउंट किसका है, केजी में अमाउंट है फ्लोर का, फ्लोर का जो आटा है वो कितना लग रहा है किलोग्राम में, ये उसका अमाउंट है। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक रेस्ट्रिक्शन में, कितना भी आप यूज नहीं कर सकते फ्लोर, एक रेस्ट्रिक्शन था कि इट शुड बी लेसर देन और इक्वल टू 5 kg, क्योंकि 5 kg आपको दिया गया ना कि जो अमाउंट आपके पास अवेलेबल है फ्लोर का। तो इसका यूज करके स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो ये चीज है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5 kg। अब ध्यान रखना एक बात, यहां के टर्म्स ग्राम में दिए गए हैं, यानी जब ये 200x से मल्टीप्लाई होगा, अगर जैसे x की वैल्यू 2 केक है, अगर 2 है x की वैल्यू, यानी टाइप 1 के 2 केक बने अगर मान लेते हैं, तो 2 × 200 कितना 400 ग्राम यूज होगा। तो ये ग्राम में है चीजें, तो वहां भी ग्राम में होना चाहिए, तो आपको 5 केजी दिया गया, आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए ग्राम में, तो ये हो गया, ठीक है, बस हो गया। अब एक थर्ड कंडीशन स्टूडेंट्स किस पर बन सकती है, वो बन सकती है फैट पर, कि कितना फैट यूज होगा। आप देखोगे कि अगर अगर टाइप वन का केक बनाने में, टाइप वन यानी कि जो पहले टाइप का केक है, उसमें जो फैट यूज हो रहा है एक एक केक बनाने में, फैट जो यूज हो रहा है वो 25 ग्राम है। अगर एक्स केक बनाने हो तो 25 × x फैट यूज होगा, यानी कि स्टूडेंट्स कितना यूज होगा 25 × x। अगर आप सेकंड टाइप का केक बनाते हो, सेकंड टाइप का केक बनाते हो, तो फैट की रिक्वायरमेंट है 50 ग्राम पर केक, आप पर केक के लिए लिख सकते हो। तो वाई नंबर ऑफ केक बनाने के लिए आपको कितना होगा, 50 × y, बहुत क्लियर है ना, ये तो बहुत सिंपल है, फोर्थ क्लास का मैथमेटिक्स, देखो ये इतना। अब आपको पता है कि फैट भी आपके पास बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है, आपके पास इंडेफिनिट नहीं है, आपके पास डेफिनेट अमाउंट में फैट है, कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 kg, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन में कि 1 kg फैट अवेलेबल है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि हम यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन में है, और रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये हमेशा 1000 ग्राम, क्योंकि मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ वाले ग्राम में है, इसके अकॉर्डिंग बस हो गया। ये रेस्ट्रिक्शन जैसे ही आपने तैयार कर लिए, बस काम फिनिश हो गया, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन, आप कुछ भी नहीं है करने के लिए, आप सिंपल सा एक ग्राफ फॉर्म करना और हमारा काम हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका काम हमने इससे करवा दिया, अब बस इन तीनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करना है, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, ये हम करते रहते हैं, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूं इतने से क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है इसमें कभी कभी, तो वो होनी नहीं चाहिए। देखो इस तरफ x रख दिया, इस तरफ y मैंने रख दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, देखिए मैं इसे ऐसा करता हूं, थोड़ा सा मैं इसे ना इरेज कर देता हूं, मैं दोबारा से फॉर्म करता हूं, देखिए ये स्टूडेंट्स आपकी x की एक्सेस हो गई और ये आपकी y की एक्सेस हो गई। अब हमें क्या करना है, फटाफट इन दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि वो तो उसकी तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इक्वेशन है, इसको देखते हैं। जैसे 200 वाले को अगर आप सॉल्व करो, जो सेकंड वाली इक्वेशन है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं और मॉडिफाइड कर रहा हूं, तो मैं देखो 100 से डिवाइड कर सकता हूं। जब 100 से मैं डिवाइड करूंगा, ये 2020 और यहां के ये 20 कैंसिल हो जाएंगे, जो आंसर आएगा वो होगा, इट विल बी 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 50 ओनली। ये आपके पास फॉर्म हुआ, एक सेकंड इक्वेशन बेसिकली अभी ऐसी फॉर्म हो गई है, सेकंड ही लिख रहा हूं मैं उसे। जो थर्ड वाली आप देखोगे 25 अगर आप कॉमन लोगे, तो 25 × 1 = 25 और 25 × 2 = 50, ये इतना हो जाएगा, 25 इसको कट करेगा 4 times और 40 हो जाएगा, क्योंकि 25 × 40 इतना हो जाएगा, है ना। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन, बेसिकली मैं सेकंड थर्ड ही नाम दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। तो उसको हमने मॉडिफाइड वे में ऐसा बोल दिया, बस कुछ नहीं करना होता, इन दो इक्वेशंस को आपने वहां पर प्लॉट करना होता है। असल में ये लाइन की इक्वेशन है, बट इनइक्वालिटी के साथ आप कैसे
परफॉर्म करोगे, मैं फिर से इसे दिखा रहा हूं आपको नेक्स्ट स्टेप में, कि जैसे मैं फिर से आ गया, जैसे ने सेकंड थर्ड को ही लिखा था, अब फिर से मैं सेकंड को स्टूडेंट्स आपको दिखा रहा हूं कि सेकंड की हेल्प से हम कैसे ग्राफ बनाएंगे। आपको सेकंड वाली इक्वेशन जो दिखाई दे रही है, इसमें एक बार एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करो, आपका वाई निकलेगा, और एक बार वाई इज इक्वल टू जीरो पुट करना, एक्स निकलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, उन्हें ज्वाइन करेंगे, लाइन बन जाएगी। कैसे? एक्स इज इक्वल टू जीरो जब पुट करोगे, वाई इज ओनली इक्वल टू 50, इक्वालिटी मानकर करो सॉल्व। जो इनइक्वालिटी का चक्कर है उसे भी हम देख लेंगे आगे, पर अपने लास्ट टाइम लेक्चर्स देखें, अभी फिलहाल आप ये मान के चलो कि इक्वल का साइन है। तो आप देखोगे x0 रखने पर y 50 आ रहा है, एंड y0 रखने पर स्टूडेंट्स x विल बी इक्वल टू 25, आपको दिख रहा है। यानी कि कोऑर्डिनेट की फॉर्म में अगर हम लिखें, पहले x को लिखना होता है इसलिए 0, 50, और पहले क्योंकि x को लिखना होता है इसलिए 25, 0, इस बार ये हुआ, पहले x आता है फिर y आता है। ये आपके दो पॉइंट्स क्रिएट हो गए। तो आपने देखा एक इक्वेशन जो कुल मिलाकर पहली इक्वेशन थी, उसने दो पॉइंट्स दिए हमें कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो और जहां पर ये लाइन बनेगी वही मैं हूं, ये कहना चाह रहा है। बाकी इनइक्वालिटीज आप देख लेना, ऐसा कहा इन्होंने। ऐसी स्टूडेंट्स मैं सेकंड वाली इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहा हूं, जो ये वाली थी थर्ड वाली, जो ऐसी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड वाली इक्वेशन में आप देख सकते हो कि x इज इक्वल टू, फिर से आप अगर जीरो रखोगे देन यू विल गेट y, अगर आप y जीरो रखोगे तो हमें x मिलेगा, ठीक है ना। x जब जीरो रखा देन y इज इक्वल टू 20 ओनली, एंड अगर हमने y जीरो रखा देन x इज इक्वल टू 40, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। y जीरो रखा है, हाँ, x0 रखा y 20 आ गया, y0 रखा x 40 आ गया, क्लियर है। ये स्टूडेंट्स आपका एक पॉइंट फॉर्म हो रहा है, x को पहले रखो 0, 20, और y को जब आप यहाँ पर सॉरी x को जब पहले रखोगे 40, 0, आप चाहो तो इसे cd पॉइंट दे सकते हो ना, ठीक है। देखिएगा ये C हो गया, ये D हो गया, जस्ट हमें इन पॉइंट्स को वहां करना है, बस हो गया। एक लाइन ये फॉर्म करेंगे, एक लाइन ये फॉर्म करेंगे, काम अपना हो जाएगा, बस हो गया, आप कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन फिनिश। देखो अब थोड़ा सा आप देख लो कि पैरामीटर क्या कैसे जा रहे हैं, कितनी रेंज है उनकी, 25, 50, मैक्सिमम 50 तक गया हुआ है, और मिनिमम ये स्टार्ट हो रहा है आपका 25 और 20 से। तो हम ऐसा करते हैं 10-10 के ले लेते हैं, ताकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। तो 10-10 का हम एक ही ले लेते हैं यहाँ पर, समझ रहे हो आप। यहाँ पर 10 का मैंने लिया, फिर यहाँ पर मैंने 20 का लिया, फिर मैंने यहां पर 30 का लिया, और मैंने यहां पर 40 ले लिया, और यहां पर 50, इससे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा ग्राफ आपका, ना, ठीक है। और सिमिलरली आपको दिख रहा है मैक्सिमम y पर वो 50 तक ही जा रहा है, तो y का भी इसी तरह का लेते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये आपका 50 का पॉइंट हो गया। समझ में आ रही है आपकी बात, ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन की तो वैसे भी कोई नीड नहीं है, मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि उसको ही हमने ट्रांसफॉर्म किया था। तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो हिस्सा है वो 50 का है, बेसिकली 0, 50 इसका कोऑर्डिनेट होगा, और बाकी यहाँ पर ये 0, 10 है, और बाकी आप हिसाब लगा लेना 20, 30, 40, क्लियर है। इन पॉइंट्स को जस्ट आपने ज्वाइन करना है, इनकी जगह में लगाना है इनको। पहला है 0, 50, वो तो पॉइंट यही है इटसेल्फ, तो ए इसमें लिख देते हैं ए ऐसे करके। बी पॉइंट का है 25, 0, ए बी को कनेक्ट करना है आपस में, ध्यान रखना क्योंकि वो एक ही लाइन से निकले। 25, 0, 25, 0 यही कहीं होगा, 20 और 30 के बीच में, मैं लिख लूं क्या यहां पर, चलो मैं यहां पर साइड में लिख लेता हूं 25, 0, है ना। इसको आपने स्टूडेंट्स ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन किया आपने, एक लाइन बन गई आपकी इस तरह की, इन दो पॉइंट्स को। ये वाली जो लाइन स्टूडेंट्स आपकी बनी है ना, वो ये वाली है बेसिकली। मैं सही रहेगा अगर मैं इसका नाम भी लिख दूं, 2x + y इज लेसर देन और इक्वल टू 50, ये हो गया इसका नॉमेनक्लेचर। अब स्टूडेंट सेकंड पर आते हैं, सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड जो हमारी लाइन है वो 0, 20 और 40, 0। 0, 20 कहां होगा, आप देख सकते हो कि 0, 20 यहां पर है, मौजूद है ना यहां पर, क्योंकि 0, 20 है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है 40, 0 कहां पर है, यस एब्सोल्युटली यहीं पर है 40, 0। बस ये डी पॉइंट हो गया एंड इट इज योर सी पॉइंट, और वो ए और ये बी पॉइंट था, क्लियर है। बस ये क्लैरिटी रखना, बस और कुछ भी नहीं है। देखो इन दो पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है ना। अब वो थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन आप समझेंगे कि वो ये इस पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट होकर जा रहे आगे, थोड़ा सा मिस हो गया वैसे, ठीक है ना, क्लियर है बात। बस हो गया, ये आपका फॉर्मेशन हो गया, बस हमें अपना रिक्वायर्ड एरिया ढूंढना है इसमें से कहाँ है। अब कैसे ढूंढते हैं, पहले इस वाली लाइन का जो नाम है वो क्या है, सेकेंड वाली थी x + 2y इज लेसर देन इक्वल टू 40, ये वाली थी ना, तो मैंने लिख दिया। अब हमें इनकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, हाँ एक जरूरत जरूर है, वो इसी के लिए, और तभी मैंने इसको यहां पर लिख दिया। इनइक्वालिटी देखकर अब काम करते हैं अपना, बहुत मजा आएगा। देखो कोई भी लाइन को चूज कर लो, पहले दो लाइनों में से कोई भी, जैसे मैं फर्स्ट वाली को चूज कर लेता हूँ, ये जो पिंक कलर से मैंने बनाई हुई है, जिसका नाम 2x + y इज लेस देन इक्वल टू 50 है, ये वाली लाइन। आप क्या करो, हमेशा हम एक रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं, और अपने कन्वीनियंस के लिए हम ओरिजिन चुन लेते हैं, बहुत जरूरी नहीं होता ओरिजिन, आप कुछ भी ले सकते हो, कैलकुलेशन लेस होता है इसलिए। हम क्या
करेंगे स्टूडेंट्स, हम ऐसा करेंगे कि यहां पर इस इक्वेशन में पहले एक बार x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो डालकर देखते हैं। जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू जीरो डाला तो 2 इंटू जीरो प्लस जीरो और यहां पर आया है 50 था। अब आप देखोगे 2 0 हो गया, ओवरऑल थिंग 0 हो गया, या 0 इज लेस देन इक्वल टू 50। क्या 0 50 से छोटा या फिर बराबर होता है? हाँ होता है, छोटा होता है, तो ये ट्रू है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ये 0 0 को अपने सॉल्यूशन में रखती है। ये वाली लाइन 2x plus y यानी कि पिंक वाली लाइन 0 0 को अपने सॉल्यूशन में रखती है। सॉल्यूशन में कब रख पाएगी? जब ऊपर को जाएगी या जब नीचे को आएगी? यस, जब उसका शेडेड रीजन नीचे को होगा तो वो 0 0 को अपने पे समा लेगी। इसका मतलब ये जो पिंक वाली लाइन है, हमने चेक कर लिया कि वो 0 0 को अपने सॉल्यूशन में रखती है, इसलिए इसका रीजन इसके नीचे का रीजन होना चाहिए। तो जो ये पिंक वाली लाइन है, इसके नीचे का जो रीजन है, ऊपर पे नहीं कर रहा मैं ज्यादा, मतलब ज्यादा शेड नहीं कर रहा, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कहीं, इससे नीचे का रीजन, बस कुल मिलाकर समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब वो पूरा इन्फिनिट तक हो सकता है यहां तक, लेकिन आप एक बात और ध्यान रख रहे होंगे कि क्योंकि कंडीशन पहले से प्रोवाइडेड है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x और y 0 से बड़े होने चाहिए क्योंकि नंबर थे, तो उस हिसाब से ये रीजन पार नहीं हो पाएगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ अगर हम रीजन ले लेंगे ना स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप देखोगे x नेगेटिव का रीजन आ जाएगा, इसलिए उसको उस तरफ ही रहना पड़ेगा और नीचे भी नहीं आ सकता, क्योंकि नीचे आएगा तो y नेगेटिव हो जाएगा। आपको एक बात समझ में आ गई कि हमारा कहीं ना कहीं रीजन इतने इस ट्राइंगल में रेस्ट्रिक्ट हो गया ए ओ बी वाले ट्राइंगल में, क्योंकि वहां जाओगे x छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यहां नीचे की तरफ आओगे y छोटा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वहीं पर रुकना पड़ेगा। अब दूसरी लाइन को देखते हैं वो क्या कह रही है। दूसरी लाइन कौन सी वाली थी? ये वाली, ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है। ब्लू वाली लाइन पर भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या बात सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही। देखो स्टूडेंट्स, ये आप थोड़ा सा ना ज्यादा प्रॉब्लम है मत आना। देखो स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाली लाइन, इसमें भी एक बार ब्लू वाली लाइन वही आपको दिख रहा होगा। हम एक बार फिर से इसमें भी 0.0 रखकर रेफरेंस पॉइंट रखकर पता करते हैं सॉल्यूशन में है कि नहीं है। जब यहां 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, जब यहां 0 रखूंगा ये 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 40, 0 इज ऑलवेज लेस देन 40, ट्रू है। इसका मतलब 0.0 इसके सॉल्यूशन में भी मौजूद है। अगर 0.0 इसके सॉल्यूशन में भी स्टूडेंट्स मौजूद है, यानी कि जो ब्लू वाला है वो 0.0 को अपने सॉल्यूशन में रखेगा, यानी जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है उससे पूरा नीचे का रीजन, सिर्फ यही नहीं इवन ऊपर से भी नीचे का, लेकिन आप जानते हो ऊपर से नीचे का नहीं आ पाएगा, सिर्फ यही रीजन बच जाएगा, ये वाला, ये ट्रेपेजियम टाइप का, हल्का ट्रेपेजियम भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये वाला, क्योंकि नीचे आ नहीं पाओगे आप, क्योंकि कायदे से तो ये ब्लू लाइन बोल रही है कि मेरे नीचे का सारा रीजन है, क्योंकि ओरिजिन पड़ेगा, लेकिन हम जानते हैं सारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर आओगे इसके इस तरफ आओगे तो x नेगेटिव, इस तरफ आओगे x नेगेटिव, नीचे जाओगे y नेगेटिव, कुल मिलाकर ये जो ये वाला ट्राइंगल है इसका सॉल्यूशन ये वाला ट्राइंगल है। नाम अगर मैं दूं तो OCD ट्राइंगल इस बार का सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट लाइन जो थी उसका सॉल्यूशन था ये वाला ट्राइंगल, सेकंड लाइन जो है उसका सॉल्यूशन है ये वाला ट्राइंगल, आपको दिख रहा होगा। हमें दोनों में जो कॉमन रीजन है मैं उसको बताता हूं आपको, जो दोनों में कॉमन रीजन है स्टूडेंट्स, इट इज दिस, ये वाला आपका कॉमन रीजन है, आपने सोच लिया था ना इसे, वेरी गुड, अगर आपने सोच लिया था, वरना सुन लो एक बार दोबारा से, ठीक है ना, आप करके, ये अपना रीजन है। अब आप समझ गए हो, आपका एक काम है छोटा सा, इसको जरा कैलकुलेट करके मुझे बताइए, इसको कैलकुलेट कीजिए। आप कैसे करोगे? इंटरसेक्शन है इस लाइन का, ब्लू वाली लाइन का और पिंक वाली लाइन का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम क्लास 10 से जानते हैं, एक बार इसे फाइंड कीजिए आप। चलिए ठीक है, फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स आपने, बस उसे जल्दी से हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं। दो इक्वेशन है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक इक्वेशन है आपके पास x plus 2y is equal to 40, equality मानकर solve करो, और एक यह है 2x plus y equal to 50, आप फटाफट इसे solve कर सकते हो। इस वाली को मैं 2 से multiply कर देता हूँ, 2x plus 4y is equal to 80 हो गया, मैं elimination से solve करना चाह रहा हूँ इसे, यह 2x plus y is equal to 50 था ही, अब आप जानते हैं elimination से solve करते से मैं minus 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 कर दूंगा, 80 में से 50 जाएगा 30 हो जाएगा, 4y plus minus y हो गया, तो 4y में से y जाएगा 3y होगा और वो कैंसिल हो गए, यानी कि जो y यहां से निकल के आएगा इट इज 10। जब y 10 निकल के आया किसी भी एक में डाल दो आप, जैसे मैं ही डाल देता हूं, तो x इज इक्वल टू यहां से फर्स्ट इक्वेशन से दिख रहा है 40 माइनस 2y और y की वैल्यू 10 आई है ना, तो 10 टू से 20, 40 माइनस 20 इज 20, यानी कि x 20 y 10, यानी 20, 10, यानी कि 20, 10 ये कोऑर्डिनेट है 20, 10। वाव मजा आ गया, पूछो क्यों आया मुझे, ओहो वाव कितना अच्छा बनाया मैंने, मजा आ गया, मजा इसलिए है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो एकदम 20 दिख रहा है ये ऊपर, 20 का कोऑर्डिनेट और सामने भी 10
है ना, हाँ जबरदस्त ये। तो ये स्टूडेंट्स 20 कॉमा 10 ही, आपने ऐसे नहीं करना, ग्राफ पेपर हो तो कर सकते हो ऐसे, लेकिन आपको चेक कर लेना चाहिए। तो हमारे तो आगे अच्छी बात है, तो हमारा रिजल्ट आ गया। इससे क्या फायदा होगा स्टूडेंट्स हमें ना, अब इस कैलकुलेशन को मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, वो जो फोर पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उन फोर पॉइंट्स की हेल्प से ना हमने अपने रीजन को पहचानना बहुत ईजी हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स बने हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक 0.20 का, एक 0.0 का, और एक ये, क्योंकि ये ट्रेपेजियम में चार पॉइंट्स है ना, ये तो एक हमारे पास पॉइंट है 0.0 का, एक पॉइंट है स्टूडेंट 0.0 का, एक पॉइंट है आपके पास 0.20 का, एक पॉइंट है आपके पास जो अभी जस्ट हमने निकाला रिसेंटली 20.10 का, और एक पॉइंट है आपका ये वाला कॉर्नर, इसको मत देखना ना ये पूरा, ये तो ये कौन सा 25.0 का। उन्होंने बोला इनमें से ही कोई है जो आपका मैक्सिमा प्रोवाइड कर रहा है, और यहीं पे मिनिमम भी प्रोवाइड होगा। हमने बोला अच्छा देख लेते हैं, हमने बोला हमें z की जरूरत है, z इज इक्वल टू हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो x प्लस वाई था, इसी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। आपने देख लिया ना ऊपर पे क्वेश्चन में, देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था यही अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यही अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट फंक्शन है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे, हम अपनी वैल्यूज में करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फटाफट निकालते रहते हैं, हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू प्लेस करनी है। यहां पर z इज इक्वल टू कितना निकलेगा, 0+0 विच इज इक्वल टू 0, यहां पर z कितना निकलेगा 0+20 विच इज इक्वल टू 20, 0+20 इज इक्वल टू 20, ये बोलेगा कि z निकलेगा 20+10 विच इज इक्वल टू 30, और ये बोलता है कि यहां पर z निकलेगा 25+0 विच इज इक्वल टू 25। उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉरेस्पॉन्डिंग काम कर रहा हूं मैं। अब आप खुद ही देख लो इसमें सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम कौन है, हमें सबसे ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा ये वाला निकल रहा है, यानी कि कहता है कि जब x 20 और y 10 होगा उस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ केक प्रोड्यूस कर पाओगे आप दी गई गिवन क्वांटिटी में, दिए गए रेस्ट्रिक्शन में, यानी कि 20.10, आप ध्यान से देख लीजिए 20.10, 20.10 यानी कि ये जो आंसर आया ये 20.10 यानी 20+10 यानी 30, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आपका आया यानी कि जो x प्लस वाई क्या टोटल नंबर ऑफ केक्स थे, यानी कि आप 30 नंबर ऑफ केक्स प्रोड्यूस कर पाओगे दिए गए रेस्ट्रिक्शन में, जिनमें से 20 केक जो होंगे वो फर्स्ट कैटेगरी के होंगे और जो बाकी रेस्ट ऑफ द केक होंगे 10 वो आपकी सेकंड कैटेगरी के टाइप 1 के केक होंगे। ये स्टूडेंट्स था एक पहला क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट था मैंने सोचा आपको डिटेल में ही कराऊं क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब आप देख लीजिए, देखिए ये इस तरह से कराया है मैंने इसे, यहां से स्टार्ट था और उसके बाद फिर हमने ये इसका एक ग्राफ फिगर सा बनाया, बस ये खत्म हो गया, समझाना था इसलिए हम टाइम लेते हैं इस पे, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि आप अगले क्वेश्चंस कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं हो पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं करा दूंगा उसे भी, लेकिन कोशिश आप करेंगे कि बाकी क्वेश्चंस आप खुद करें, तभी मैंने आपको इतने ढंग से समझाया। अब अगर नहीं भी होगा बाई चांस तो आप नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैं आगे की क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा जरूर इसे लाइक करें, अदर नीड स्टूडेंट्स जरूर इसे शेयर करें। स्टूडेंट्स फिलहाल के लिए इतना ही, अभी मिलता हूं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।